देखना रोहित जेबर ये अभी प्रोसेस हो रहा है, अभी इसके रेस्ट होने का ही। मन गीत करावो जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखावो जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी। तो आप देख सकते हैं जलमहल ठीक साथ में था। यहाँ के बाद हम सीधे जयपुर गए, जहाँ पे हमने देखा सबसे पहले हवा महल, बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखता है रात को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। राम राम, नमस्ते। राम राम। तो कैसे? ये हमारे सचिन भाई है, राजस्थान से, ये काफी रह चुके हैं जीपी में। और ये हमारे राकेश भाई गुजरात से। तो हम इस वक्त सिंधी कैंप में आए हैं खाना खाने। जगह का नाम सिंधी कैंप एक्चुअली। यहाँ पे आपको रेलवे मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन मिल जाएगा और बस स्टैंड। चलिए, और इसके बाद और यहाँ पे खाना खाने का खाना खाने वहाँ जाने वाले हैं। यहाँ पे अल्बर्ट म्यूजियम और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे जंतर मंतर। यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोकल चीजें हैं हम आप घूमेंगे यहाँ पे जयपुर में, और उसके बाद आगे का प्लान आपको बताते हैं। ठीक है, खाने का क्या लग रहा है, कैसा होगा? कल की तरह तो नहीं होगा खाने का? भी देखते हैं, कल तो अच्छा खाना, बट यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा ठीक होगा। यहाँ पे थोड़ा खाने की खुशबू लग रहा है कि हाँ अच्छी रहेगा। यस, चलो देखते हैं। अरे ये भी बाटी है मेरे ख्याल से, ये है ना, बाटी तोड़ के रखी है, हो सकता है। चलो देखते हैं। और ये हमारा अब ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हम, सीधे खाना खा रहे हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट है। अच्छा था यहाँ का, अच्छा था बहुत। वो इनकी सर्विस थोड़ी स्लो थी, वो ठंडा हो रहा था। हाँ, थोड़ा सर्विस थोड़ी लेट थी, पर खाना बहुत टेस्टी था, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। हाँ, यहाँ देख ये हर हर महादेव पवित्र भोजनालय, यहाँ पे आ सकते हैं आप। बाकी बने रही हमारे साथ। और हाँ, एक अच्छी चीज ये भी है कि 100 रुपए की थाली थी। हाँ, सॉरी 90 की थाली थी, हमने बटर लिया था तो इन्होंने 100 पूरा कर दिया। हाँ, मतलब 100 रुपए फुली सेटिस्फाइड। हाँ, देसी स्वाद है। अभी हम यहाँ बस स्टैंड है, सिंधी कैंप होते हैं आपका नाम। हम अभी मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल साथ में ही है। हमारी मेट्रो आ चुकी है। चलो भाई, अभी ट्रेन आ चुकी है, हम मेट्रो बड़ी चौपड़ की ओर रवाना होंगे इस मेट्रो में बैठ के। हाँ, और आगे जाके हमारे दो साथी और है वो मिलेंगे। यस, वो बाइक पे गए हैं। हाँ, वो बाइक पे गए हैं, वहीं गर्मी है। अब हम बड़ी चौक पहुँच गए। तो हम पहुँचे हैं बड़ी चौक पर। ये है हमारा सामने दिख रहा है हवा महल, यहाँ जाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे बिल्कुल सामने ही हवा महल दिख रहा है। ये हवा महल है। हाँ, ये देखिए कितना सुंदर भव्य है। आप देख सकते हैं मैं ठीक हम हवा महल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। पीछे देख सकते हैं हवा महल कितना सुंदर है, अद्भुत दिखाइए। जो नीचे है ना रात से, यहाँ से, हाँ यहाँ से लेके पूरा था हवा महल का, पूरा ये पूरा ये पूरा यहाँ से पूरा ही हवा महल का पूरा एक ही। हाँ, यहाँ पे अब काफ़ी सारी बात आने की मिली है, थोड़ा रेनोवेट किया गया है। और अभी तो यहाँ पे बहुत सारा दर्शक आए हैं, ये देखिए सामने, हमारे सामने से गुजरा है बुलकाट।
तो हम जा रहे हैं जंतर मंतर हलब मैन के अंदर। हाँ हाँ, अभी जंतर मंतर जाएंगे, जंतर मंतर हाँ उसके बाद जाएंगे। अभी हम अंदर जा रहे हैं, चलो दिखाते हैं आपको। हवा महल के मंदिर, एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, अभी इसका दरवाजा बंद है, अभी हम अंदर चलते हैं हवा महल के। तो दोस्तों यहाँ पे काफी लंबी लाइन लगी है, काफी वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना होगा जंतर मंतर के लिए, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी है। लेडीज की अलग, जेंट्स की अलग से लगी है। तो ये एंट्रांस है जो हवा महल का, देख सकते हैं। तो अभी मुश्किल ही जा पाएंगे हम, देखते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ तो काफी लंबी लाइन लगी है। हाँ ये सही रहेगा, है ना, चलो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ये है राजकीय महाराजा आदर्श प्राथमिक विद्यालय हवा महल के पीछे जयपुर में। ये स्कूल का रास्ता है एक्चुअली, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें वापस जाना पड़ेगा। ये अंदर स्कूल है, काफी पुराना स्कूल है, स्टाफ रूम। ओहो, ये तो पूरा राजा महाराजा का लग रहा है, ये स्कूल है। तो चलो दोस्तों हम बाहर। तो दोस्तों हम इस रास्ते से जा रहे हैं, ये हमारा रास्ता जाता है अपना जंतर मंतर की ओर। रास्ते में हमें काफी सारे कबूतर देखने को मिले, जहाँ पे लोग दाना दे रहे थे कबूतरों को। मंदिर भी है यहाँ से जाएंगे मंदिर को। ये अपने भाई आगे गए, बाइक वाले यशपाल और सचिन भाई, देख सकते हैं आप कितना यहाँ पे पूरी सजे हुए हैं। यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे टी शर्ट है, अदर थिंग्स, लेडीज। तो दोस्तों यहाँ भी लाइनें लगी है हवा महल की तरह, जंतर मंतर की लाइन लगी है पूरा। ये पापड़ है, ये पूरी लाइन लगी है यहाँ, बहुत ही मुश्किल लग रहा है जान। तो डायरेक्शनल गाइड मैप यहाँ का जंतर मंतर। महाराजा स्वाई मान सिंह टू म्यूजियम सिटी पैलेस संग्रहालय। ये राकेश भाई लाए हैं कुल्फी, देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छी स्ट्रेटजी है, पत्ते रखे नीचे, किसके पत्ते है पता नहीं, जो भी ताकि नीचे से फर्क पर समझते हैं, बाकी छोड़ो क्या पत्ते। ये राकेश भाई ने मेरे लिए मिला दिया, चलो आनंद देखते हैं आनंद। ये है राजस्थानी मठ का कुल्फी, चलो लेते हैं एंजॉय। ओके बने रहिए हमारे भाइयों। कैसी है कुल्फी भाई? टेस्टी है, बढ़िया। हाँ ये राजस्थानी मठ का कुल्फी है, बहुत टेस्टी है। हाँ जब आप आएंगे ना राजस्थान तो जरूर खाइएगा। ये है अंदर जनता मंदिर, यहाँ पे है। हेलो, ये सिंपल सी दिखने वाली दीवार बहुत खास है, इसमें प्रोटेक्ट वो बना है पूरा डी, जिसको चांद बोलते हैं, जिसमें एंगल मापते हैं, उल्टा बनाया है। लेकिन यहाँ पे इसका कुछ हिस्ट्री लिखा है, इसका हिस्ट्री लिखा है देखिए। मतलब ये सूर्य से इसका टाइम, आप जो टाइम मेजर कर सकते हैं सूर्य की परछाई, जो यहाँ पे एक गोल घेरा बना हुआ है, इस पर छाया पड़ती है इसकी, है ना, परछाई। हाँ जी, तो ये परछाई के हिसाब से हम टाइम इसमें कुछ मेजर करते हैं, और यहाँ पे टाइम इसका पता लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अगर सन बिल्कुल स्ट्रेट होगा सीधा तो बिल्कुल कोई परछाई नहीं होगी, तो मतलब 12 बजे दिन के, ऐसा ही। हाँ आगे जाके दिखा दो, आगे जाके दिखाते हैं आपको। ये देखिए सौर घड़ी बोलते हैं, सूर्य की परछाई से टाइम बता सकती है दुनिया की। अगर हर घड़ी बंद कर दी जाए, मोबाइल वगैरह सब कुछ ऑफ हो जाए, टाइम बताने के लिए जो कि राजा हरि सिंह, राजा जय सिंह ने बनाया था ये। ऐसे ये यंत्र है, तो अभी हम जा रहे हैं इसमें। राशियाँ, हाँ जो हमारी 12 राशियाँ है ना,
ये सनलाइट से इनके ऊपर पड़ती है, तो यहाँ पे जो इनकी जो परछाई है शेडो पड़ती है, जो है ना इसकी एंगल देख के ना परछाइयों की जो राशियों की एंगल देखा जाता है कि कौन सी अभी कौन सी राशि है, ऐसे राशियों को पता लगाया जाता है इसके द्वारा। हाँ ये पे यहाँ पे हो जाते हैं सारी 12 राशि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो वर्गो है कन्या जिसकी होगी, ठीक है, यहाँ पे इसका साइन है, ठीक है, और यहाँ पे जो मेजरमेंट दिखाया गया है इसी तरह से सारी है बाकी। ओके आपको बताया था अगर इसको दोनों को कम्बाइंड कर दिया जाए तो इसका क्षेत्र बाउल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वो है उसका कम्बाइंड है, ये विथ नेम में यहाँ पे नाम मार्किंग की गई है इससे, और ऐसा ही दूसरा बना हुआ देखो विदाउट मार्किंग का दिख रहा है वो वाला, वहाँ एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी स्टूडेंट आते हैं अपना प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल करते हैं उसके बाद में टैली करते हैं कि मैंने मेरे जो रिजल्ट है वो अच्छे हैं या बुरे हैं, गुड है या बैड है, वो उस हिसाब से वो देखते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल किया जाता है, शोध किया जाता है, विद्यार्थी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट आते हैं उनका फिर इससे टैली कर लेते हैं ये, ठीक है दादा। ये वो ये राशि और ये लास्ट यंत्र है जिसको कहते हैं चक्र यंत्र, तो हम कहाँ जा रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड पार्क में जो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, तो हम जाएंगे अब ऑटो में और सचिन भाई और लाएंगे बाइक में, ठीक है अभी हम चलते हैं, फिर हम मॉल में मूवी देखेंगे अवतार 2, सी यू। मतलब वर्ल्ड ट्रेड पार्क यहाँ पे हम मूवी देखने वाले हैं, अब कितना बड़ा है लास्ट आ रही है, ठीक है। तब हम कहाँ आए, हमें वर्ल्ड ट्रेड पार्क में WTP शॉपिंग मॉल है, यहाँ का जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पे। हाँ ये जयपुर का सबसे बड़ा है, यहाँ देखिए कितना सुंदर है WTP ट्रेड पार्क। हाँ चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम इसको, क्या है क्या सिस्टम है। हम यहाँ पे हैं पिज्जा का वेट करें, पिज्जा हट पे हमने पिज्जा ऑर्डर कराया यहाँ पे पिज्जा हट पे। हाँ अभी हमारी टर्न आई नहीं, अभी 99 है हमारा, कितना है 100 नंबर 102 अभी चल रहा है 99। हाँ अभी बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं, अभी हमारा मूवी का टाइम है। पिज्जा था 4 कुछ का और इन्होंने टोटल GST मिला के कर दिया पिज्जा 585। पिज्जा की ओरिजिनल प्राइस थी पिज्जा की वो थी 456 थी ना, 456 बट इन्होंने जो फाइनल जो चार्ज बना ना जो वो है 585 GST प्लस मैंने कर मैंने फोन फोन की चीज़ लगा दी चीज़ है, तो मतलब आप ये चीज ना करें, अगर पिज्जा खाना है तो कहीं बाहर खाएं, थोड़े से मॉल में आके ना खाएं, सही यार अभी कॉस्टली है, बाकी टेस्ट देखते हैं अगर नहीं हुआ तो फिर बताएंगे, ठीक है बाकी देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग। ये हमारे भाई को, ओ ये तो भाई देखने में अच्छा है, अच्छा लग रहा है हस्टोजी जी, बाकी तो ये अपना पिज्जा है कर दूंगा, तो हो गया था कम, अब अच्छा ही था मतलब बाहर से अच्छा था पिज्जा हट अगर नाम है तो, पर अभी से बोल सकते हैं अच्छा, ठीक है अच्छा कैसा पिज्जा, पिज्जा तो बिल्कुल अच्छा ही था, वैसे मेरे हिसाब से अगर रेटिंग दिया जाए तो मैं 5 में से 4 दूंगा, क्योंकि इसका कॉस्ट थोड़ा बहुत और GST ये वगैरह थोड़ा ज़्यादा है ना, बहुत ओके ठीक है चलते हैं साथियों, बाकी आपको बाकी चलते हैं शो टाइम होने वाला है। और ये अपनी संत भाई और मैं, चलो देखते हैं क्या रहता है, हाँ कैसी है। अब तो बोले जाओ मिलते हैं जल्दी, दोस्तों मूवी लगभग 3 घंटे की थी तो हमें काफ़ी रात हो चुकी थी, लगभग 9 बज चुके थे, उसके बाद हम जा रहे थे जयपुर वापस।
यहाँ देखो जब स्टेशन का यहाँ पे सिंगल साइकिल के पूरा अरेंजमेंट करा हुआ है, तो बुलेट का ये देखिए। हाँ क्या नाम है? गजेंद्र सिंह। नाम मत बोलो यार। ओ भैया कोई नहीं, 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 नहीं ये कौन क्या है ये बताइए? मसाला टी चाय। मसाला टी चाय इसको बोलते हैं, कुल्लड चाय है ना। हाँ ये देखिए स्पॉट है ना, क्ले पॉट, इसमें पीके इसमें पीते हैं। एक अच्छी बात ये कि उन्होंने साइकिल भी पूरा अरेंजमेंट करा। हाँ सब कुछ यहाँ पे चाय बन रही है, इसमें जो अंगारे हैं उबलती हो जाए, साइकिल पे पूरा अरेंजमेंट करा है। हाँ बहुत सही लग रहा है। अभी ठंडी होगी तो मतलब ठंडी पड़ा, मौसम ठंडा हो गया अभी, तो कुल्लड चाय और भी अच्छी होती है।